नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आप सबका अपने चैनल योगा माई लाइफ पे स्वागत करता हूँ। आज के मेरे वीडियो का शीर्षक है पृथ्वी तत्व। इससे पहले मैंने पांच तत्वों पे एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो अलग अलग पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब पे अलग अलग मैं वीडियो दूंगा ताकि आपको इन तत्वों के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके, अलग अलग आप इन तत्वों के बारे में समझ सके कि ये तत्व हैं क्या और इनका हमारा जो निजी जीवन है उनमें क्या महत्व है, इन तत्वों से हमें क्या लाभ मिल सकता है, क्या हानि हो सकती है। पांच तत्व हैं, मैंने बताया आपको, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। अगर आकाश से कंसीडर करें, क्योंकि आकाश से सभी तत्व पैदा हो रहे हैं, सिलसिलेवार देखें तो आकाश से वायु पैदा हो रहा है, वायु से अग्नि पैदा हो रहा है, अग्नि से जल पैदा हो रहा है और जल से पृथ्वी पैदा हो रहा है, यानी कि लास्ट तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है। सारा का सारा जमाना, सारी की सारी जो जमाने की आज की चाल है पूरे वर्ल्ड की, वो पृथ्वी तत्व को लेके है, यानी कि मेटेरियलिज्म को लेके है, यानी कि धन संचित करना और विषय वस्तुओं की तरफ भागना, हमारी सारी की सारी इंटेंशन पूरे जमाने की पृथ्वी तत्व पर ही है। ये वो तत्व है जिसने पूरे जमाने को बांध रखा है, पूरी सल्तनत को बांध रखा है। एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जिस पे पूरी सल्तनत वर्क कर रही है, जिससे जिस पर पूरी सल्तनत रह रही है। वो जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो पृथ्वी तत्व की देन है। पृथ्वी के बाद आ जाता है जल तत्व। पृथ्वी तत्व हमें बांधता है विषय वस्तुओं से और जो जल तत्व है वो हमें बांधता है रिश्तों से। तीन फॉर्म होती हैं पदार्थ की साइंस के हिसाब से, ठोस, द्रव्य और गैस। इसमें जो ठोस चीज है वो पृथ्वी तत्व है, जो भी चीज ठोस दिखाई दे रही है वो पृथ्वी तत्व है। लेकिन पृथ्वी तत्व को समझने के लिए हम हर ठोस चीज को पृथ्वी तत्व नहीं समझेंगे। जो ऊर्जा, देखिए, एक ही ऊर्जा जो है वही पृथ्वी तत्व है, एक ही ऊर्जा जो है वही जल तत्व है, वही ऊर्जा जो है अग्नि है, वही ऊर्जा वायु है और आकाश है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से आइंस्टीन ने भी जो फार्मूला दिया था E=mc², उसका मतलब भी यही था कि अगर मास को, यानी कि पदार्थ को अगर ब्रोक कर दिया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। परमाणु बम उसी बात पे आधारित है, यानी कि हर पदार्थ के अंदर ऊर्जा है। पृथ्वी तत्व भी ऊर्जा से ही बना हुआ है, ऊर्जा का ही सघन रूप है। तो पृथ्वी तत्व जिस चक्र से, हमारे जो छह चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और आकाश और आज्ञा चक्र, पृथ्वी तत्व का संबंध जो है वो
मूलाधार चक्र से है। पृथ्वी तत्व का जो संबंध है वो मूलाधार चक्र से है। मैंने बताया कि तीन स्टेट होती हैं पदार्थ की, ठोस, जल और गैस यानी कि वायु। थोड़ा सा चक्रों के साथ मैं रिलेट करूंगा इस बात को, तत्वों को। ठोस जो स्टेट है, जो पृथ्वी तत्व है, वो मूलाधार से, और जो द्रव्य, जो जल तत्व है, वो स्वाधिष्ठान से, और जो गैसियस है, जो वायु तत्व है, वो हमारे अनाहत चक्र से रिलेटेड है। बीच में आ गया ये नाभि पे स्थान पे मणिपुर चक्र। मजे की बात ये है कि मणिपुर चक्र से ही ऊर्जा लेके, ऊर्जा जो अग्नि है, अग्नि से हम बल प्राप्त करके भौतिकता की ओर बढ़ते हैं। जो ये दो चक्र हैं, पहले मूलाधार चक्र जो पृथ्वी तत्व से संबंधित है, और स्वाधिष्ठान चक्र जो जल तत्व से संबंधित है, ये दोनों संसार की ओर बांधते हैं। एक जो चक्र है मूलाधार पृथ्वी तत्व, वो विषय वस्तुओं की ओर बांधता है, पदार्थ की ओर बांधता है। हमारे मन में जो ललक है विषय वस्तुओं को इकट्ठा करने की, वो पृथ्वी तत्व की वजह से है, मूलाधार चक्र की वजह से है। हमारे मन के अंदर जो ललक है, ये रिश्तों को बढ़ाने की, किसी भी प्रकार का रिश्ता, जिसमें प्यार हो, जिसमें गुस्सा हो, जिसमें हमदर्दी हो, इवन सेक्स हो, वो सब के सब स्वाधिष्ठान चक्र से रिलेटेड हैं। संसार में विचरण करने के लिए, सक्सेसफुली विचरण करने के लिए, हमें ऊर्जा मूल मणिपुर चक्र से ही लेनी पड़ती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ अनाहत चक्र है। मैंने पदार्थ की तीन स्टेट बताई हैं। यहाँ वायु जो है, वायु लेके जाती है हमें, कनेक्टिविटी करवाती है। जो व्यक्ति जितना कनेक्टेड होगा, उसका वायु तत्व उतना बलशाली होगा। मणिपुर चक्र से ऊपर की ओर यात्रा शुरू होती है आध्यात्मिकता की। आध्यात्मिकता की ओर यात्रा करने के लिए भी जो ऊर्जा चाहिए, वो मणिपुर चक्र से ही चाहिए, यानी कि अग्नि तत्व से चाहिए। अग्नि तत्व पे भी हम बोलेंगे, आज का विषय पृथ्वी तत्व है, लेकिन रिलेट करना बड़ा जरूरी है, ताकि आपको बात समझ आ जाए कि मैं बताना क्या चाहता हूं। संसार की ओर चलना हो तो पृथ्वी तत्व बलशाली होना चाहिए, जल तत्व बलशाली होना चाहिए, तो हमारी संसार की ओर पकड़ बनी रहेगी, ऊर्जा आएगी मणिपुर चक्र से। जो भी व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ किए हुए है, बहुत कुछ उसने कर रखा है, या उसके अंदर बहुत सारी हिम्मत है पदार्थ को इकट्ठा करने की, रिश्तों को बनाने की, वो ऊर्जा मणिपुर चक्र से ले रहा है। उसका जो अवेयरनेस, जो उसकी जिंदगी चल रही है, वो तो चल रही है स्वाधिष्ठान या मूलाधार चक्र पे, लेकिन वो ऊर्जा ले रहा है उसका जो मणिपुर चक्र है अग्नि तत्व, वो भी बलशाली है। यही ऊर्जा अगर हम रूपांतरित करके ऊपर के चर्च जो चक्र है अनाहत पे ले जाएं, वायु तत्व की ओर ले जाएं, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। वहाँ भी हमें अग्नि की जरूरत पड़ती है, मणिपुर चक्र की ओर जरूरत पड़ती है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए हमें जो नीचे के दो तत्व हैं, जिनसे दो चक्र रिलेटेड हैं, पृथ्वी और जल, उनको पार करना पड़ता है और मणिपुर पे विचरण करना पड़ता है। उनको पार करने का मतलब ये है कि हम उनकी परसेंटेज इतनी हो हमारे व्यक्तित्व में, क्योंकि पांच तत्वों से हम लोग बने हुए हैं। आकाश तत्व को तत्व कहना ठीक नहीं है, मेनली चार तत्व हैं। आकाश तो सब चीज़ों को ग्रहण किए हुए है, सब चीज़ों को बनाए हुए हैं। चार तत्वों की जो प्रोपोर्शन है पृथ्वी और जल का सही होगा, तो हमारा ना तो जवानी की तरफ झुकाव होगा, ना रिश्तों की तरफ झुकाव होगा। तब जब हमारी जो अग्नि चक्र में जो ऊर्जा पैदा हो रही है, तब उसको हम ऊपर उठा पाएंगे और अध्यात्म की ओर लेके जा सकेंगे। इसके लिए मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व को सही करने के लिए मूलाधार चक्र पे ध्यान करना होगा, मूलाधार चक्र को सही करना होगा,
अगर वो कम है तो उसके परसेंटेज जैसे बढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन से वस्तुएं कम होनी शुरू हो जाएंगी, बल्कि हमारा जो एटीट्यूड है वस्तुओं की तरफ वो कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही एटीट्यूड कम होना शुरू होगा, वैसे ही हमारा आध्यात्मिकता की ओर एटीट्यूड बढ़ना शुरू होगा। ये इसके पीछे थ्योरी है। अब बात आती है कि इस पे मेडिटेशन कब करनी चाहिए। देखिए, कुछ स्पेशल दिन होते हैं, जैसे कि पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है पृथ्वी पे, इतना ज़्यादा होता है कि समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। ज्वार भाटा का मतलब ये है कि चांद जो है समुद्र के जल को अपनी ओर खींचता है। उस वक्त अगर मेडिटेशन की जाए तो उसके बड़े अच्छे परिणाम आते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो है पहले ही आपको ऊपर उठाना चाह रही है। इसलिए पूर्णिमा की रात को मैं काफ़ी लोगों को मेडिटेशन करने के लिए एडवाइस देता हूँ कि पूर्णिमा की रात को मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि उस वक्त ऊर्जा का जो सत्र है वो पहले ही ऊपर की ओर है, ऊर्जा पहले ही ऊपर की ओर खींच रही है। उस वक्त अगर मन शांत है तो मन और ज़्यादा शांत हो जाएगा। लेकिन एक बात और भी है, अगर पूर्णिमा की रात मेडिटेशन करने से पहले मन अशांत है तो वो और ज़्यादा अशांत भी हो सकता है। इसलिए बेटर रहेगा अगर पूर्णिमा की रात मेडिटेशन अगर आप करने जा रहे हैं तो मेडिटेशन से पहले योग निद्रा अवश्य कीजिए। अब पृथ्वी तत्व जो है वो अगर पिंगला नाड़ी के साथ हो, उसको देखने का तरीका क्या है कि हमारी नोस्ट्रिल्स में जो सांस चल रही है, अब अगर मैं देखूं, अगर उल्टा हाथ मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, ये उल्टा हाथ है, इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, दो उंगलियाँ भी लेके जाता हूँ जा सकता हूँ, एक उंगली भी लेके जा सकता हूँ, बेटर रहेगा कि दो उंगलियाँ लेके जाएँ या हाथ लेके जाएँ, इसको धीरे 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 नीचे लेके आएँ, पंखा नहीं चल रहा होना चाहिए, और सांस को महसूस करें। यहाँ पे छाती के यहाँ तक अगर सांस महसूस हो रही है तो उस वक्त मान लीजिए कि पृथ्वी तत्व चल रहा है। नाड़ी अगर ये चल रही है राइट, ये मेरा राइट हैंड है, तो इसका मतलब पिंगला नाड़ी के साथ पृथ्वी तत्व है। नाड़ी लेफ्ट चल रही है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इसका मतलब ईड़ा नाड़ी के साथ पृथ्वी तत्व है। इन दोनों कंडीशन में आप कोई भी काम करने जाएंगे तो वो काम बनेगा। अगर दोनों नाड़ियां चल रही हैं और पृथ्वी तत्व है तो काम नहीं बनेगा। उस वक्त ये होगा कि आपका समय तो मेडिटेशन का है, मैंने सुषुम्ना नाड़ी वाले वीडियो में ये बताया है, लेकिन उस वक्त जो थॉट्स हैं वो मेटेबॉलिज्म की चल रही हैं। तो बात आती है, ये तो इसको देखने का तरीका है पृथ्वी तत्व को। पृथ्वी तत्व को देखेंगे, उसका जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे, कौन सा काम करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है, छाती तक सांस होगी, लंबाई सांस की, मैं इंचेस में नहीं बता रहा हूँ, वो भी बता सकता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको कैलकुलेट करना है यहाँ तक, ये छाती के इस पार्ट तक जो होगी सांस की लंबाई आ रही है, तो इसका मतलब पृथ्वी तत्व का समावेश आपके व्यक्तित्व में इस वक्त है। इस वक्त अगर आपने अपने से नीचे वाले ओहदे वाले से काम करवाना है तो ईड़ा पिंगला नाड़ी और पृथ्वी तत्व होना चाहिए। अपने से ऊपर वाले से करवाना है तो ईड़ा नाड़ी के साथ पृथ्वी तत्व होना चाहिए। ईड़ा नाड़ी का मतलब ये नोस्टल चल रही हो, ये बंद हो, लेफ्ट चल रही हो, राइट बंद हो। पिंगला नाड़ी का मतलब जो लेफ्ट बंद हो और राइट चल रही हो। पृथ्वी तत्व का मतलब यहाँ तक सांस आ रही हो, छाती तक। इसको ठीक करने का तरीका मेडिटेशन ही है, ध्यान ही है और कुछ नहीं है। पूर्णिमा की रात को अगर हम ध्यान करेंगे, मन अगर शांत है तो ध्यान सीधे कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व का मूलाधार का जो मंत्र है वो लम है, लम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, और इसकी जो आकृति है वो चकोर है, एक स्केयर की तरह, इस तरीके से चकोर है, एक स्केयर की तरह येलो कलर है, और शरीर में इसका जो स्थान है, जब हम तत्व शुद्धि करवाते हैं तो जांघों से नीचे का जो स्थान है शरीर में वो हम पृथ्वी तत्व का मानते हैं। तो पूर्णिमा की रात को
अगर हम ध्यान करेंगे उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं, चांदनी रात होती है, वो पॉजिटिव जो शक्तियाँ होती हैं वो बड़ी बलशाली होती हैं उस वक्त। उस वक्त अगर हम ध्यान करेंगे तो पृथ्वी तत्व को बड़ी जल्दी ठीक कर पाएंगे और जल तत्व को भी बड़ी जल्दी ठीक कर पाएंगे, क्योंकि खिंचाव ऊर्जा का मैंने बताया कि ऊपर की ओर होता है। एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा, उस वक्त अगर मन अशांत है तो योग निद्रा अवश्य कर लीजिएगा। योग निद्रा भी मेरे चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं, और उसको करने के बाद मेडिटेशन कीजिएगा। और मेडिटेशन करने के बाद आपको आज्ञा चक्र, यहाँ पे दोनों आंखों के बीच में कटुस्थ है, आज्ञा चक्र वैसे बैक में होता है, इसके बिल्कुल बैक में, यहाँ पे कटुस्थ है, इस पर ध्यान करना है। इस रात जितनी देर हो सके आपको ध्यान करना है, इस ध्यान का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो पृथ्वी तत्व में वो कार्य करने चाहिए जो आप अपने बिजनेस को लेके, अपने भौतिक संबंधों को लेके, अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है तो वो कार्य करने चाहिए, वो फायदेमंद होंगे। देखने का तरीका मैंने बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। योगा माई लाइफ मेरे चैनल का नाम है, आप चैनल पे बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे मैं जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व पे पूर्ण रूप से प्रकाश डालूंगा। ये एक बहुत गहन विद्या है, स्वर योग इसका नाम है, और इसको हम समझेंगे, इस पर प्रैक्टिकल भी करेंगे। बहुत कुछ मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, फिर भी बहुत सारी बातें रह जाती हैं। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में पैदा हो रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ तो उन क्वेश्चंस को, उन प्रश्नों को पैदा होने दीजिए। और जब आप चिंतन कर रहे हों जो मैं समझा रहा हूँ, या अभी चिंतन कर रहे हों, तो उन प्रश्नों को उन क्वेश्चंस को एक कॉपी या पेन लेके लिख लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। इसी को ही रिसर्च कहते हैं, आप पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, यही रिसर्च होती है। और मेरे चैनल का उद्देश्य भी यही है, खाली बात बताना मेरे चैनल का उद्देश्य नहीं है, अपने एक्सपीरियंस से और आपके एक्सपीरियंस से आपको फ़ायदा हो, मेरे एक्सपीरियंस से और आपके और मेरे एक्सपीरियंस से, हम दोनों के एक्सपीरियंस से और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो, इस तरीके से मेरा उद्देश्य है इस चैनल का। तो आप जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए इस चैनल को, ये आपका चैनल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।